नमस्कार करता हूँ प्रभु जी सर्व गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हुआ। परम पूज्य सद्गुरुदेव, परम पूज्य माता जी, पूज्य गुरुदेव, सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम साधक परिवार, सभी को मन से नमस्कार करता हूँ और आह्वान करता हूँ। आज का यह जो शिविर है, सच्चाई तो यह है कि इतना गुरु पूर्णिमा शिविर के बारे में हो या निधि चेतना केंद्र में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया, मेरी पहले से भी इच्छा थी कि मेरे गुरु को मैं संसार भर में बहुत सी श्रेष्ठता के रूप से देखूं और उनका एक भव्य मंदिर हो जो आने वाले पीढ़ियों के लिए साधना स्थली बने। बहुत इच्छा थी और गुरुजी ने, प्रभु ने, सद्गुरुदेव जी ने भी उनके जन्मदिन के शिविर में 1997-98 ऐसा भी जोधपुर में ही कहा था कि जोधपुर में एक भगवती नारायण मंदिर ऐसा बनेगा जहाँ कोई भी शिष्य आकर अपना नतमस्तक होकर अगर नमस्कार करता है तो भगवती नारायण से बात कर सकेंगे। आपको सबको पता है भगवती नारायण मंदिर जोधपुर में हुआ या नहीं हुआ, जो उनकी स्थली है। आज तक हम ये देखते हैं कि जो भी संत महात्मा हुए, वे जहाँ भी पैदा हुए, जहाँ भी रहे, उससे उस गांव में चाहे अकलकोट के समर्थ स्वामी महात्मे को जो बताए, स्वामी समर्थ महाराज हो, श्रीगाम के गजानन महाराज हो, दत्तात्रेय जी हो, उनके जहाँ जन्मस्थली रही, उनके जहाँ आना जाना रहा, वहाँ उनके मंदिर बने हुए हैं और वे वहाँ से उनका कार्य करते हैं। मुझे बड़ी बड़ी चिंता के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जोधपुर में वैसा मंदिर कब देख सकेंगे, क्या गुरु जी की वो इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि गुरुपुत्र गुरुदेव तो महान हैं, उनकी इच्छा के बिना जोधपुर में भगवती नारायण मंदिर होना कठिन है और उनको कहने का प्रयास या कहने की शक्ति कौन कर सकता है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी में, आने वाले और 50 साल 100 साल के बाद अगर जोधपुर में हमारे गुरु जी थे, इसका कौन कहे। आज तो घर बनते हुए कल कहीं मंदिर ना हो तो गुरु जी को कौन कहे कि गुरु जी जोधपुर में थे, उनकी याद किस तरह हो। आज कहीं भी देखते हैं तो हर संत और हर महात्मा का जहाँ वे विचरण कर गए थे, उनकी तपस्या स्थली थी, वहाँ उनका मंदिर है। इच्छा थी कि जोधपुर में भी गुरु जी ने जैसा कहा था वैसा भगवती नारायण मंदिर हो, लेकिन यह निश्चिता नहीं कर सकता, ये उनकी इच्छा है या गुरु जी की इच्छा है। गुरु जी ने आरोग्य धाम भी माना था और वहाँ गुरु मंदिर हुआ या हो रहा है, इसके बारे में जितनी आपको जानकारी है वो आप, मैं उतना नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी बार जरूर कहता हूँ मैंने गुरु जी को, परम पूज्य स्वामी विश्लेषण जी, डॉक्टर नारायण श्रीमारी सद्गुरुदेव जी को मैं इतने ऊंचे स्थान पर देखना चाहता हूँ कि आने वाले पीढ़ी उन्हें याद करें, कहें कि संसार में एक ऐसे विरले गुरु हुए जिन्होंने केवल शक्तिपात या पैसों के लिए नहीं, हर उनके शिष्य को जो उनके पास गया उसको तपस्वी बनाया, उसको ऋषि बनाया, उसको सीधे साधक बनाया, और वो ऐसे ही लोगों को नहीं बनाया जो आकर नमस्कार करके चले जाए, ऐसे शिष्यों को नहीं बनाया। वो चाहते थे कि ऐसा साधक बने जो आने वाली तपस्या के लिए, आने वाली उसकी तपस्या भारत के लिए काम करे, सनातन धर्म के लिए काम करे, उसकी तपस्या उसके जीवन में उसी को नहीं और 10 लोगों को उसका उद्धार कर सके, ऐसे साधकों को उनकी बनाने की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी। साधक परिवार का अर्थ होता है तुम साधक बनो, साधक का अर्थ होता है साधना करने वाला। साधना को छोड़कर अगर आगे हम कुछ करते हैं, साधना को छोड़कर बात करते हैं तो हमें गुरु जी के कार्य में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और निधि चेतना केंद्र की स्थापना केवल इस उद्देश्य हुई कि आपके घर में आप साधनाएं नहीं कर सकते, आपके कहीं आज नदी स्थान में जाओ, मंदिर में जाओ तो मंदिर बंद होता है तो उसको हटा लेते हैं, भाई मंदिर का टाइम हो गया आप चले जाओ, नदी के किनारे जाकर साधना करने बैठ जाते हैं तो कुछ स्थानों को छोड़कर ऐसा कहा जाता है कि तुम क्या तंत्र कर रहे हो, तांत्रिक है। किसी गृहस्थ को हम कहीं अपने गली में, अपने घर में भी साधना करते हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो या तो अपने माँ बाप से छुप कर, अपने पत्नी अपने संबंधियों से छुप कर मंत्र इंद्रज्ञान की पत्रिका और गुरुचार लपेट कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चले कि साधना कर रहे हैं, डरते हैं। और गुरु ने इस डर को निकाल देने के लिए मंत्र तंत्र इंद्रज्ञान की पत्रिका ये थी और गुरुचार की बात कही थी, वह साधक बनाना चाहते
ऐसे लोग नहीं जो डरपोक हो, ऐसे लोग हो जो समाज में प्रहार कर सके, ऐसे लोग हो जो आगे चल सके, ऐसे लोग हो जो साधना के मार्ग पर चल कर ये बता सके कि तुम मेरे सामने आए, तुम विरोध करते हो तो खड़े नहीं रह सकते, ऐसी जिज्ञासा ऐसा साथ लेकर वो आगे चले। और उसी उद्देश्य से निधि चेतना केंद्र की स्थापना इसलिए किया कि घर में साधनाएं नहीं हो सकती, ना नदी किनारे, ना मंदिर में, ना कोई मठ में। अगर किसी मठ में हम जाओ और कहो कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ तो आपको बैठने नहीं देगा, वो कहेगा कि यहाँ साधना विधना नहीं होती, यहाँ मठ के जो नियम है उसको पालन करना होगा। हम कहाँ करें, कहाँ जाए? और गुरु जी की पत्रिकाएं साधनाओं में इसलिए कहीं स्मशान में साधना करो, कहीं रात में साधना करो, काली साधना करो तो रात में करो, तारा साधना करो तो रात में करो, कहने करने के लिए कहाँ जगह है? और केवल इस उद्देश्य कि मंत्र तंत्र ज्ञान की हर पत्रिका की हर साधना करने के लिए कोई अच्छी साधना स्थली हो, यह उद्देश्य कर मैंने निधि चेतना केंद्र हैदराबाद की स्थापना की। ये बात अलग है, निधि चेतना केंद्र की स्थापना के बाद जब बात मैंने गुरु जी को बताकर कि गुरु जी मैं ऐसी ऐसा ऐसे साधना स्थली बांध रहा हूँ, और गुरु जी के परमिशन के बाद मैं दो वर्ष हो गए, एक पार्वती ज्ञान केंद्र जो मुलगरा में है और एक निधि चेतना केंद्र हैदराबाद में, ये दोनों की स्थापना गुरु जी की आज्ञा लेकर ही मैंने स्थापना की थी। और जो आज 22-23 साल हो गया चल रहा है, 2000 में स्थापना की, 23 साल हो गया चल रहा है, मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है कि 2000 साल से जैसे निधि चेतना केंद्र से जो भी जुड़े हुए हैं, आज कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको कहता हूँ कि वो जो जुड़े लोग हैं आज तक मेरे से दूर नहीं गए, न मेरे से हटकर गए, चाहे उनके जीवन में कष्ट, मैंने ये कहता कि उनके जीवन में कष्ट नहीं आया, उनके जीवन में वनवास अनुभव करना नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ कि द्रौपदी का चिर हरण हुआ पतियों की वजह से हुआ, कृष्ण के रहते हुए भी उनको वनवास भोगना पड़ा लेकिन वो कृष्ण को नहीं छोड़े, सीता ने राम के साथ वनवास अनुभव किया लेकिन राम को नहीं छोड़ा, भारत सभी भाइयों ने राम के भाइयों ने वनवास अनुभव किया लेकिन राम को नहीं छोड़ा। यह वह कड़ी है जो गुरु के साथ जुड़ती है, और मुझे गर्व है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं हाथ उठा के बता दें कि मेरे साथ 2000 साल से जुड़े हैं, कोई मेरे गुरु को नहीं। आज से भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे से जितने भी आज मेरे सामने बैठे हुए हैं वो 2000 से जब से निधि चेतना केंद्र की स्थापना तब से जुड़े हैं, और आज भी मैं जब भी नागपुर आऊँ या कहीं आऊँ वो मुझे मुझसे मिलने आते हैं। यह वह कड़ी है जो गुरु जी ने मुझे प्रदान की है, यह मेरे वो राम है, वो सीता है, वो कृष्ण है जो मेरे लिए और स्वामी विश्लेषण जी के लिए वो कड़ी जो साधना से हटने वाले नहीं है और साधना करके आगे चलेंगे, साधना के मार्ग पर चलने वाले। मैंने इनको कोई ऐसा बिस्किट नहीं दिया या सोना नहीं दिया, उनके जीवन में कष्ट उन्होंने भी सहा लेकिन कहा कि गुरु जी हम निधि चेतना केंद्र के साथ जुड़े हुए और जुड़कर है। आज यहाँ के आदि से भी ज्यादा लोग मैं कहता हूँ निधि चेतना केंद्र के साथ जब भी मैं शिविर करूँ, जब भी उनके पास हूँ तो ये लोग जरूर मेरे पास आते हैं, और मुझे इस बात का गर्व और प्रेम भी है उनके साथ कि वे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी मेरे से छूट कर आगे कहीं नहीं गए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जुड़ना और ये रहना वह परंपरा है जो हम रामायण महाभारत से देखते हुए आ रहे हैं, निस्वार्थ वर्ष हम एक जीवन से जुड़ के साधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहा कि उनके जीवन में कष्ट नहीं आए। आज तरसखेड़ा में भंडारा में ठाकरे भाव ने जो आश्रम स्थापन किया उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा, लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों कहा, ऐसे आगे चले गए। आज अतुल ढोमने के बारे में बहुत सारे लोगों का एक कथन है कि तो निधि चेतना केंद्र के साथ जुड़ा नहीं है, तुमने अनिल चेतना केंद्र की स्थापना की है। मैं तुम्हें इसके पीछे की एक संक्षिप्त कहानी बताता हूँ। अतुल ढोमने जब कुछ भी नहीं था तो आश्रम में कम से कम 3-5 साल रहा, आश्रम में रहा 5 साल निधि चेतना केंद्र हैदराबाद में। उसने मेरे सारे शिविर सेवा के शिविर देखे, सब कुछ किए, और जब वो यह बात ध्यान करते हुए चला कि उसने कहा प्रभु मैंने स्वामी विश्लेषण जी को तो देखा नहीं, मैंने गुरुपुत्रों को देखा है, मैं आपके पास रहकर पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अनिल चेतना केंद्र की स्थापना करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा दीवाना हो गया है अनिल चेतना केंद्र के नाम से या सिद्धार्थ साल परिवार से जा अनिल चेतना केंद्र की स्थापना मत कर। वो नाराज हो गया कुछ दिन के लिए, मेरे पास से चला गया। मैं यहाँ से फिर बाद में वो नागपुर में घूमता गया, बहुत सारे लोगों से क्या क्या पता किया मुझे पता नहीं,
बाद में उसने कुरखेड़ा नाम के उस क्षेत्र में जाकर देखा कि कुछ जमीन ले और निकली चेतना कहने की बहुत देश निष्ठा के द्वारा सामना करके मेरे पास पेपर भी लेके आया, उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया आया कि मैंने अनिल चेतना केंद्र की स्थापना करना चाहता हूँ, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं, आज भी नहीं है, मैं कहता हूँ तो धनवान नहीं हूँ। सब लोग उसको अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, द्रौपदी का अपमान जैसा हो उसका आज भी अपमान करते हैं लोग।